हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चों के फीवर के साथ में पेट दर्द हो रहा है, अब्डोमिनल पेन हो, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको फेपानिल मेफ सस्पेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं। यह क्या काम में आती है, किस कंडीशन में दी जाती है, इसकी डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, क्या कंपोजिशन इसमें मिला हुआ है, इसकी MRP क्या है, यह सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। मैं नरेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम आपको फेपानिल मेफ सस्पेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर कंपनी की बात करें तो ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड कंपनी का यह बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, यह बहुत अच्छी कंपनी है। MRP की बात करें तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही इकोनॉमिक 38 रुपए की पर 60 ml की बोतल आती है, जो आपको आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगी। कंपोजिशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें मेफेनेमिक एसिड 50 mg और पेरासिटामोल 125 mg पर 5 ml सस्पेंशन में मिला हुआ है। यानी अगर 5 ml की सस्पेंशन देते हैं तो उसमें मेफेनेमिक एसिड 50 mg और पेरासिटामोल 125 mg मिला हुआ है। यह फेपानिल मेफ सस्पेंशन क्या काम में आती है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताते थे कि यह 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट से मिली हुई है, यानी मेफेनिक एसिड और पेरासिटामोल दोनों ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, क्योंकि बोथ नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग के ड्रग में आते हैं, जो NSAID ड्रग भी कहलाते हैं। यानी नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग की जो मेडिसिन आती है उसमें यह फेपानिल मेफ सस्पेंशन आती है, यानी ये दोनों ड्रग NSAID ड्रग में गिनी जाती हैं। इसमें फ्रेंड्स अगर किस काम में आती है वह बात करें तो यह ट्रीट बॉडी टेम्परेचर, यानी अगर किसी के बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, लाइक फीवर हो, फीवर आता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो उसमें फीवर होती है, तो फीवर में के ट्रीटमेंट के लिए, साथ ही पेन एंड इंफ्लामेशन, दर्द और इंफ्लामेशन, अगर कहीं पे इंफ्लामेशन आ रही है, लाइक रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, तो उस कंडीशन में भी मेफ फेपानिल मेफ सस्पेंशन डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। और साथ ही अगर किसी के अब्डोमिनल पेन हो, क्रैम्प्स आ रहे हो, बोथ इन्फेंट्स एंड चाइल्ड, छोटे बच्चों जो जन्म लेते हैं, यानी बहुत ही न्यू बोर्न बेबी होते हैं, और साथ ही वो दो साल तक के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन रहते हैं 2 साल तक के बच्चे तक, यह है सस्पेंशन फेपानिल मेफ सस्पेंशन डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है या फिर दी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, इसमें मेफानेमिक एसिड है वह अब्डोमिनल पेन में काम आती है, और पेरासिटामोल पेन के लिए दी जाती है, यानी यह दोनों इंग्रेडिएंट एक्टिव है। तो यह दोनों इंग्रेडिएंट एक्टिव रहेंगे तो किसी भी बच्चे के जल्दी फीवर और पेन सही होगा, इसीलिए डॉक्टर की चॉइस ज्यादातर पेरासिटामोल न दे के साथ में मेफेनिक एसिड देते हैं। अब बात करें डोज की, तो फ्रेंड्स इसकी 1 ml से लेके 5 ml तक दिन में 3 बार पर डे सेम टाइम पे डॉक्टर द्वारा पेशेंट को लिखी जाती है, यानी बच्चों को लिखी जाती है। वह पेशेंट की डोज, पेशेंट की कंडीशन और उसकी एज, वह कितने मंथ का है, कितनी एज का है, उस हिसाब से उसे कितनी प्रॉब्लम है, उस आधार पे डिसाइड की जाती है। अगर कोई बच्चा वॉमिटिंग कर दे, यानी यह सिरप देने पे वॉमिटिंग कर दे, तो आप 30 मिनट के बाद में यह सिरप दोबारा उस बच्चे को दें, जिससे बच्चे को सही रिलीफ मिल सके, क्योंकि अगर वॉमिटिंग कर देगा तो बच्चा सही नहीं होगा और आपको यह सिरप काम नहीं करेगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर बच्चा यह सिरप देने के बाद में वॉमिटिंग करता है तो 30 मिनट के बाद में आप इसकी डोज दोबारा दें। और फ्रेंड अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका वैसे तो किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी बच्चे को नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे के किडनी, लीवर, हेड एंड लंग्स का डिजीज है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो वह भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके यह सिरप अगर उन्हें लिखते हैं तो अपने डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं। आशा करते हैं कि
फेपानिल मेफ सस्पेंशन के बारे में आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वहां पे जाके आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।